चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने ये तीन जो है वो पढ़े थे पॉइंट्स, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, आइडेंटिफाइंग कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। हमें क्या है, कॉन्ग्रेंसी को आइडेंटिफाई करना। तो तुम्हारे पास कैसे, तुम पहले आइडेंटिफाइंग कॉन्ग्रेंसी होता क्या है हम वो डिस्कस करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन कि सम टास्क कैन हैपन साइमल्टेनियसली व्हाइल अदर्स नीड टू बी डन सेपरेटली। कई टास्क जो है इकट्ठे होंगे बट कई जो टास्क है वो डिफरेंटली होंगे। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से टास्क को इकट्ठे होने में बेनिफिट है या कौन से टास्क को अलग होने में बेनिफिट है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसके स्टेप्स क्या है, कॉन्ग्रेंट एप्लीकेशन में आप क्या एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हो। सबसे पहले इनहेरेंट कॉन्ग्रेंसी जो है वो आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन से टास्क कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। देन डिफाइन करते हो कॉन्ग्रेंट टास्क, ठीक है, कि ये टास्क जो है कॉन्ग्रेंट है ये नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे डिफाइन करते हो, तुम देखो कई चीजों को स्टेप बाय स्टेप हमें परफॉर्म करना पड़ता है। तुम्हें पिज्जा बनाना है तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, ठीक है, रेसिपी होगी। बट कई जो है, अब इस चीज को क्या कहते हैं, अगर एक टास्क एक टाइम पे हो रहा है इट्स कॉल्ड थ्रेड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब ये क्या सिंगल पाथ फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई, ये स्टेप बाय स्टेप हो गया ना हर चीज, ठीक है। इवन दो देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू डू, यू कैन, आप क्या एक चीज पे ही फोकस कर रहे हो। मैं चॉप कर रही हूँ, ठीक है, वेजिटेबल, तो वो क्या होगी, एक चीज पे फोकस कर रहे हो ना, ठीक है। तो यही चीज है, उन्होंने कहा डिफाइन कॉन्ग्रेंट टास्क, मेनी टास्क जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको क्या है, तो सिंगल थ्रेड जो है वो फॉलो करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन मेक डिसीजन अबाउट द सब सिस्टम स्ट्रक्चर, की इंटरफेस के बारे में उसके डिसीजन बनाओ कि कैसा इंटरफेस होगा, कैसा सब स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मेक डिसीजन अबाउट हाउ द स्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, कि कैसे एक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तुम कैसे रोल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है, देखो तुम डिसीजन जो है वो बनाते हो कि एक ऑब्जेक्ट एक्टिव है या फिर पैसिव है। अब ये किसी ना किसी मेथड से होता होगा, दैट इज टास्क स्ट्रक्चरिंग। टास्क स्ट्रक्चरिंग क्या कहता है कि तुम जो है एक ऑर्गेनाइज करते हो टास्क को इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है। एंड दे कैसे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, कि टास्क को इकट्ठे होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए। और टास्क स्ट्रक्चरिंग जो है ये क्या है, यहाँ पे टास्क इंटरफेसेस ये क्या है, रूल्स होता है फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या क्या रूल्स होने चाहिए। अब देखो डिसीजन मेकिंग किस पे डिपेंड करती है, अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैसेज, वो चीज एसिंक्रोनस है या फिर सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस मतलब अगर एक चीज हो गई फिर आगे हो गई, ठीक है, बट एसिंक्रोनस एक चीज है, तुम उसका वेट नहीं कर रहे, तुम और काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है, समझ में आया, तो ऐसे डिसीजन जो है वो तुम्हारे बनेंगे, ओके। अब तुम क्लास इंटरफेस के बारे में भी जो है वो क्या है, डिसीजन बनाओगे, ठीक है, कि मेकिंग द डिसीजन अबाउट द क्लास इंटरफेस। अब जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मेन्यू होता है एक रेस्टोरेंट में, ठीक है, दिस शोज हाउ व्हाट्स द अवेलेबल एंड हाउ यू कैन इंटरैक्ट विद द क्लासेस, इट इंक्लूड्स व्हाट मेथड एंड फंक्शन एंड क्लास ऑफर्स, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नीड्स। अब ये क्या है, क्लास इंटरफेसेस के बारे में डिसीजन बनाना, मतलब पहले तो क्लास इंटरफेसेस क्या होते हैं, जैसे मेन्यूज हो गए रेस्टोरेंट में, अब वो बताते हैं क्या क्या चीजें अवेलेबिलिटी हैं, ठीक है, अब क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं क्या नहीं है, तो तुम उस अकॉर्डिंग क्या है डिसीजन बनाओगे, ठीक है, क्लियर है। तुम उस अकॉर्डिंग जो है ऑपरेशंस जो है डिजाइन करोगे हर क्लास के, क्लियर हो गया। फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द डिजाइन। अब ये भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए हम एनालाइज करते रहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द डिजाइन, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। अब इसके बाद देखो एलोकेशन ऑफ सब सिस्टम, ये अगला पॉइंट है कि हम सब सिस्टम को कैसे एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अब तुमने चीजों को डिवाइड कर दिया सब सिस्टम, अब उसको एलोकेट भी तो करना है। अब द सिस्टम डिजाइनर मस्ट डू द फॉलोइंग थिंग, सबसे पहले क्या है, उसको परफॉर्मेंस एस्टिमेट करनी है, ठीक है। हमेशा हर चीज के परफॉर्मेंस ही एस्टिमेट की जाती है। चूज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन फॉर द सब सिस्टम, कि क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होगा, क्लियर है। एंड देन उसके बाद जो है उसने कहा एलोकेट द सॉफ्टवेयर सब सिस्टम टू द प्रोसेसर टू सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस नीड एंड मिनिमाइज इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन। अब उसने क्या कहा है कि तुम क्या करो, एलोकेट कर दो सब सिस्टम को टू प्रोसेसर, ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सके, ठीक है। देन इसके बाद उसने कहा है डिटरमाइन द कनेक्टिविटी ऑफ द फिजिकल यूनिट, ठीक है। इसमें क्या है, दिस इज अबाउट डिसाइडिंग हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर सिस्टम विल कनेक्ट फिजिकली,
कैसे वो फिजिकली कनेक्ट करेंगे? इट्स लाइक प्लानिंग द रोड एंड ब्रिजेस बिटवीन द डिफरेंट सिटीज, ठीक है? जैसे तुम रोड प्लान करते हो ना डिफरेंट सिटीज में, हाँ कि ये रोड यहाँ पे जाएगी, तो ऐसे ही वो क्या है कनेक्टिविटी डिसाइड करेगा ऑफ द फिजिकल यूनिट, ठीक है? ये एलोकेशन है ना सब सिस्टम्स की, तो तुम कैसे एलोकेट करोगी? एलोकेट करने के बाद तुम डिटरमाइन भी तो करोगे फिजिकल यूनिट कैसे कनेक्ट होने चाहिए, ओके? देन कंसीडर द नीड ऑफ रिडंडेंट प्रोसेसिंग. अब रिडंडेंट प्रोसेसिंग क्या है? सपोज तुम्हें एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम्हारी अगर कोई चीज डिलीट भी हो जाए तो चीजें जो है वो स्मूथली रन कर सके, ठीक है? देन इसके बाद आइडेंटिफाइंग एनी इंटरफेस इम्प्लाइड बाय द डिप्लॉयमेंट. अब डिप्लॉयमेंट इज लाइक सेटिंग अप अ न्यू स्टोर, ठीक है? तुम अब कैसे अट्रैक्ट करोगे कस्टमर्स को, लाइक वेयर द एंट्रेंस विल बी एंड हाउ इट विल नेविगेट इन साइड, तो ये चीजें तुम्हें डिसाइड करनी पड़ती हैं व्हाइल एलोकेटिंग द सबसिस्टम्स, क्लियर है? ओके. अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है एस्टिमेटिंग हार्डवेयर रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है? वो हम क्या चीज देखेंगे? देखो एस्टिमेटिंग हार्डवेयर रिसोर्स रिक्वायरमेंट में क्या है, लेट मी रेज दिस फर्स्ट. अब देखो इसमें क्या है कि क्या क्या हार्डवेयर जो है वो तुम्हें चाहिए. इमेजिन यू आर इन अ फैक्ट्री, तुम्हें कौन कौन से वर्कर चाहिए, पर आवर वर्कर में कितना वो लेंगे, ठीक है? ये सारी चीजें डिसाइड करनी होती है, ठीक है? यू कैलकुलेट हाउ मेनी आइटम्स यू नीड टू मेक, ठीक है, पर आवर, ठीक है? तुम्हें कितना मतलब कितने वर्कर्स की जो है जरूरत है. अब यहाँ पे वर्कर्स कहा गया है, तुम क्या कह सकते हो, प्रोसेसर कह सकते हो. टू एस्टिमेट में हाउ मेनी वर्कर्स यू नीड, यू कैलकुलेट हाउ मेनी आइटम्स यू वॉन्ट टू मेक पर आवर, ठीक है, एंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स, मतलब कितना टाइम लगेगा, कितने वर्कर चाहिए, ठीक है? ये सारी चीजें जो है ये तुम्हें हार्डवेयर रिसोर्सेज में चाहिए होती है. अब यहाँ पे वर्कर्स हैं तो वहां पे क्या है, प्रोसेसर्स के बारे में कहा गया है, ठीक है? क्लियर हुआ ये चीज? ओके. अब इसके बाद आता है मेकिंग द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ट्रेड ऑफ. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ट्रेड ऑफ में क्या मतलब है कि व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द सिस्टम अ डिसीजन हैज टू बी मेड रिगार्डिंग व्हिच सब सिस्टम विल बी इंप्लीमेंटेड एज अ हार्डवेयर एंड व्हिच इन सॉफ्टवेयर. देयर आर टू रीजन फॉर इंप्लीमेंटिंग द सब सिस्टम इन हार्डवेयर. अब हम सब सिस्टम्स को हार्डवेयर में क्यों इंप्लीमेंट करते हैं? देखो सबसे पहली बात तो होती है कॉस्ट, ठीक है? कॉस्ट कॉस्ट होती है, ठीक है? कॉस्ट क्या है, इसमें क्या बताया हुआ है, देखो थिंक ऑफ लाइक इमेजिन यू बिल्ड अ बिल्डिंग टेबल, ठीक है? अब तुमने एक बना बनाया टेबल है और एक तुम टेबल स्क्रैच से बना रहे हो. जो टेबल तुम स्क्रैच से बना रहे हो वो तुम्हें चीपर नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वो लोग जो है कलेक्टिवली बनाते हैं इसलिए उन्हें चीप पड़ जाता है, बट हमें क्या है वो चीज कॉस्टली पड़ेगी, ठीक है? अब तुम्हें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हाँ वो चीज की कॉस्ट मेरे को ज्यादा पड़ रही है या कम पड़ रही है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो ये चीज उसने कही हुई है, ठीक है? टुडे इट इज इजी टू बाय अ फ्लोटिंग पॉइंट चिप देन टू इम्प्लीमेंट द सेम फंक्शनैलिटी इन द सॉफ्टवेयर. अगर तुम ऐसे करोगे अपने आप में मैनुअली वही फंक्शनैलिटी अप्लाई कर दो सॉफ्टवेयर में, ठीक है, वो डिफिकल्ट है, रादर देन एक फ्लोटिंग पॉइंट चिप भी खरीद लो, ठीक है? देन अब ये क्या हम पढ़ रहे हैं, रीजंस पढ़ रहे हैं, ठीक है? देयर आर टू रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सब सिस्टम्स इन द हार्डवेयर, ठीक है? अब परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में क्या है कि हर चीज के लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर होना चाहिए. इमेजिन यू डू अ स्पेसिफिक टास्क टू डू, लाइक मेकिंग अ सैंडविच. यू कैन आइदर यूज योर हैंड्स और स्पेशलाइज टूल्स लाइक सैंडविच, ठीक है? अब स्पेशलाइज्ड टूल जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है? स्पेशलाइज्ड टूल जो है वो अच्छा होगा. इससे अगर तुम सब सिस्टम जो है हार्डवेयर में इंप्लीमेंट कर देते हो तो एक डेडिकेटेड हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो तुम्हें दे देता है, जिससे परफॉर्मेंस जो है क्या है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? अब देखो अब हमने एलोकेट करने होते हैं टास्क टू द प्रोसेसर, ठीक है? अब देखो सब सिस्टम्स कर दिए, इसके बाद टास्क आते हैं. अब टास्क जो प्रोसेसर्स को करने होते हैं इसके सेवरल रीजंस होते हैं. पहला रीजन होता है लॉजिस्टिक्स, ठीक है? लॉजिस्टिक्स मतलब कि कई टास्क जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही कैरिड आउट होते हैं, वो उसके लिए उनके लिए बेनिफिट होता है, ठीक है? क्लियर हुआ? देन कम्युनिकेशन लिमिट्स. अब कम्युनिकेशन लिमिट्स में उसने क्या कहा हुआ है, द रिस्पॉन्स टाइम और द डेटा फ्लो रेट एक्सीड्स द अवेलेबल कम्युनिकेशन बैंडविड्थ बिटवीन द टास्क एंड अ पीस ऑफ हार्डवेयर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक डिवाइस रिक्वायर टाइटली कपल्ड कंट्रोलर बिकॉज ऑफ देयर हाई इंटरनल डेटा. अब ये क्या हम पढ़ रहे थे कि हम टास्क क्यों असाइन करते हैं प्रोसेसर्स को, ठीक है? एक तो कम्युनिकेशन लिमिट आ जाती है, अगर तुम नहीं असाइन करोगे, ठीक है, तुम्हारा जो है कम्युनिकेशन जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्लियर हुआ? कभी कभी बैंडविड्थ की प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से कम्युनिकेशन जो है नहीं हो पाता, बट प्रोसेसर्स जो है क्या है वो उसको हैंडल कर लेते हैं.
कंप्यूटेशनल लिमिट में क्या है, द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन दैट कैन बी कैरिड आउट टू एनी प्रोसेसर इज लिमिटेड ओनली, ठीक है. सो सेवरल प्रोसेसर मे बी एम्प्लॉयड, अलग अलग प्रोसेसर चाहिए होते हैं. एक प्रोसेसर की कम्युनिकेशन लिमिट जो है, कंप्यूटेशनल लिमिट जो है वो कम हो सकती है, इसलिए हमें बहुत सारे प्रोसेसर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. देन डिटरमाइनिंग द फिजिकल कनेक्टिविटी, ये भी हमने पढ़ा कि कैसे हम फिजिकल कनेक्टिविटी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है. क्या टोपोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, तो ये इन्होंने कनेक्शन टोपोलॉजी में बताया हुआ है. रिपीटेड यूनिट्स, रिपीटेड यूनिट्स में क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कस्टमर अराइव्स इन अ सिंगल फाइल लाइन, अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ सैंडविच मेकर माइट बी बेस्ट, बट इफ द कस्टमर कम्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, लाइक सपोज एक रेडी है, ठीक है, वो एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरी मैंने सैंडविच जो है वो अलग अलग बनाने हैं, तो मैं क्या है एक लीनियर सीक्वेंस जो है सैंडविच मेकर की वो रख दूंगी, ठीक है, ताकि वो सबको स्प्रेड हो सके, ठीक है. बट अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो मेरे को एक स्टार पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, वो बेस्ट होगा. तो यही उन्होंने कहा है कि रिपीटेड यूनिट, सिस्टम डिजाइनर मस्ट कंसीडर द एक्सपेक्टेड अराइवल, कि कैसे डेटा जो है वो आ रहा है उस अकॉर्डिंग तुम्हें क्या है अपनी टोपोलॉजी है जो वो है बनानी, क्लियर है. ओके, देन हमारे पास आगे क्या आता है, कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन क्या है, इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू मेक डिसीजन ड्यूरिंग सिस्टम डिजाइन फेज अबाउट द टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड प्रोटोकॉल, कि क्या टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इंटरेक्शन जो है सिंक्रोनस भी हो सकती है, एसिंक्रोनस भी हो सकती है, और ब्लॉकिंग भी हो सकती है, ठीक है. तो ये जो है कम्युनिकेशन मैटर करती है. ओके, इमेजिन यू हैव अ ग्रुप इन चैट, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर यू. अब तुम सेंड करते हो मैसेज, ठीक है, या तुम वेट कर रहे हो उसके मैसेज का, या तुम कह रहे हो कि नहीं मैं मैसेज का वेट नहीं करूंगा, मैं अगला टास्क कर दूंगा, ठीक है. तो ये चीजें जो है ये डिपेंड करती है. बैंडविड्थ एंड लेटेंसी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डिसाइडिंग अबाउट द कम्युनिकेशन चैनल, कि क्या बैंडविड्थ है, क्या लेटेंसी है, ठीक है. इससे भी हमारे क्या है कम्युनिकेशन चैनल जो है वो डिसाइड करने में बहुत हेल्प होती है. देन इसके बाद अगला पॉइंट है मैनेजिंग मैनेजमेंट ऑफ डेटा स्टोर्स, ठीक है. अब देखो मैनेजमेंट ऑफ डेटा स्टोर्स में क्या है कि अब सपोज तुम अपनी क्लोजेट जो है वो सेट कर दो, अपनी अलमीरा सेट कर दो. अब तुम उसको हैंगर्स में सेट करोगे, ड्रॉर्स में रखोगे, कैसे, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. सपोज तुम्हें कई क्लोथ्स जो है वो जल्दी चाहिए, ठीक है, कई जो है वो लेट चाहिए, ठीक है, तो तुम उस अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज करोगे ना, तो ये फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि कैसे तुम्हें इसे एक्सेस करना है. तो ऐसे ही तुम्हारा मैनेजमेंट ऑफ डेटा स्टोरेज है कि इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा, कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है डाटा की, साइज ऑफ डाटा, ठीक है, कैसा साइज है, क्या एक्सेस है, अगर तुम्हें जल्दी चाहिए डाटा तो वो कहाँ पे रखेगा डेटा को, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है. द डिजाइनर मस्ट मेक द डिसीजन अबाउट वेदर द डेटा इज केप्ट इन फ्लैट फाइल्स और रिलेशनल डेटाबेस. अब इन चीजों को ध्यान में रख के डिजाइनर को ये चीज देखनी चाहिए कि हाँ वो फाइल्स में होना चाहिए या फिर डेटाबेस में होना चाहिए, ठीक है. द फॉलोइंग पॉइंट्स, अब डेटाबेस को कंसीडर, अब तुमने डेटाबेस को कंसीडर करना है या फिर फाइल्स को, तुम्हारे पास ये क्या है अप्रोप्रिएट अप्रोच कंसीडर करने के लिए ये पॉइंट्स जो है तुम्हें देखने हैं. पहले तो डेटा परसिस्टेंस, डेटा परसिस्टेंस क्या होता है, यू आर राइटिंग ऑन अ पेपर, इफ यू वांट टू स्टे ऑन इवन आफ्टर यू पुट आफ्टर द पेपर अवे यू नीड टू मेक श्योर दैट द इंक डज नॉट फेड, ठीक है. सिमिलरली अब उसने क्या कहा है, सिमिलरली इन कंप्यूटर सिस्टम, सॉरी वेट, अब इसमें क्या बोला गया है, देखो अब इसमें परसिस्टेंस का क्या मतलब है, देखो कि परसिस्टेंस मतलब कि जहां पे डेटा तुम्हारा स्टोर्ड है, अब डेटा परसिस्टेंसी तुम्हें देखनी है, ठीक है. तो यहाँ तुम्हें इसको फाइल में सेव करना पड़ेगा या डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज जो है मैटर करती है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. देन हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर, कि कैसा अप्रोप्रिएट अप्रोच तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, कि तुम क्या है सिलेक्ट करो व्हेन सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट अप्रोच टू डेटा स्टोरेज, कि तुम्हें कहाँ डेटा स्टोर करना है. अब परचेज कॉस्ट भी बहुत मैटर करती है, ठीक है, लाइक फाइल्स जो है वो थोड़ी कॉस्टली कम होती है, ठीक है. अब कई बार कैसा होता है कि तुम्हारा कई डेटाबेस जो है कॉस्ट इंक्रीज कर देता है, लाइफ साइकिल कॉस्ट, ठीक है. अब डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट, इससे भी क्या है कॉस्ट जो है इंक्रीज हो सकती है, ठीक है. तो तुम्हें ये चीजों को ध्यान में रखना है कि वाइल सिलेक्टिंग की कहाँ डेटा स्टोर करना है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा है, ज्यादा डेटा है तो कहाँ स्टोर करेंगे, कम डेटा है, परफॉर्मेंस कैसी है, अगर फास्टर एक्सेस चाहिए तो क्या करना है, ठीक है. देन एक्सटेंसिबिलिटी क्या है, ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी हमने बताया, इफ यू नीड टू एड
अगर तुम्हें और डाटा ऐड करना है ठीक है, कि तुम्हारे लिए फ्यूचर में इजी कहाँ से होगा ठीक है। देन कॉन्ग्रेंट एक्सेस, कॉन्ग्रेंट एक्सेस क्या होता है, अगर मल्टीपल यूजर्स आ जाएं तुम्हें एक ही चीज का एक्सेस करना चाहे, यू विल वॉन्ट टू वॉन्ट अ मैथड दैट सपोर्ट द कॉन्ग्रेंट एक्सेस। तुम्हें एक मैथड चाहिए होगा कि जो कॉन्ग्रेंट एक्सेस को सपोर्ट कर सके। देन क्रैश रिकवरी, क्योंकि सपोज तुम्हारा सिस्टम क्रैश कर जाए तुम कैसे रिकवर करोगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन, विल द डाटा नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नंबर ऑफ राइड्स ठीक है, इफ येस देन दे कैसा तुम डिसीजन लोगे उसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो ये चीजें बताई गई हैं। इसके बाद द काइंड ऑफ डेटा बिलोंग्स टू फाइल, अब कौन सा डेटा फाइल्स को बिलोंग करता है, ये ज्यादा वो नहीं है, तुम्हें बस देखना है। अगर हाई वॉल्यूम में डेटा थी तो वो फाइल्स को बिलोंग करता है। मॉडेस्ट क्वांटिटी ऑफ डेटा है ठीक है विद सिंपल स्ट्रक्चर, तो वो फाइल्स को बिलोंग करता है। डेटा जो कि सिक्वेंशली एक्सेस होगा वो फाइल को बिलोंग करेगा। डेटा दैट कैन बी फुली रेड इन टू द मेमोरी ठीक है, वो फाइल को बिलोंग करेगा। अब जो डेटा डेटाबेस को बिलोंग करेगा वो क्या है, लार्ज क्वांटिटी में होगा ठीक है। और इसमें क्या है, जो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होगा, जिसमें तुम्हारे पास अनऑथराइज एक्सेस जो है वो नहीं होगा ठीक है। मल्टीपल लोग जो है एक्सेस कर पाएंगे, दैट रिक्वायर्स अपडेट, मतलब जो अपडेट करने में भी इजी होगा ठीक है, फाइन डिटेल्स जिसको चाहिए होती है ठीक है। इसके बाद हम पॉइंट पढ़ेंगे हैंडलिंग द ग्लोबल रिसोर्सेज। हैंडलिंग द ग्लोबल रिसोर्सेज में क्या है, द डिजाइनर मस्ट आइडेंटिफाई द ग्लोबल रिसोर्स एंड डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द एक्सेस। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज, जैसे अब रिसोर्सेज क्या है जो हमारी हेल्प करते हैं ठीक है किसी चीज को करने में, टास्क करने में। अब फिजिकल रिसोर्सेज में जैसे तुम्हारे पास इन्होंने दिया हुआ है, देयर आर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन द किचन ठीक है, होते हैं ना, तो वो क्या है फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाते हैं ठीक है। अब इनका एक्सेस जो है अपने पास ही होता है। इफ यू वॉन्ट टू, अगर तुम एक स्टोव यूज करना चाहो ठीक है, गैस स्टोव यूज करना चाहो, वो तुम्हें अपने आप एक्सेस मिल जाएगा ठीक है, मतलब तुम उसको यूज कर सकते हो अलग। अब ये क्या है, अब इन्होंने क्या है, इफ यू वॉन्ट टू यूज अ स्टोव देन दे नो दे हैव टू टर्न इट ऑन फर्स्ट एंड देन वेट फॉर हीट एंड बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग। सिमिलरली इफ समवन वॉन्ट्स टू यूज सिंक दे कैन यूज ठीक है, इट इज नॉट ऑलरेडी इन यूज बिफोर दे कैन यूज इट ठीक है। ये क्या है, ऑलरेडी यूज में नहीं होता। अब इसमें फिजिकल, अब मैंने एग्जाम्पल तो बता दी आपको, जैसे तुम्हारे किचन में आ जाता है स्टोव वगैरह ठीक है, बट यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, प्रोसेसर्स, टेप ड्राइव, कम्युनिकेशन चैनल ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब स्पेसेस में क्या आ जाता है, स्पेस में आ जाता है कीबोर्ड हो गया, बटन हो गया ठीक है, लॉजिकल नेम्स हो गया। अब जैसे मैं किचन में हर चीज जो है स्पाइसेस में नाम लिखा हुआ है ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, आईडी कहते हैं। देन एक्सेस टू शेयर डाटा की एग्जाम, अब एक्सेस टू शेयर डाटा में जो हमने लिखा हुआ है लाइक हैविंग अ शेयर्ड रेसिपी बुक ठीक है, अब वो डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वो पढ़ रहे हैं ठीक है। अब किसका, अब सपोज तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट लोग के पास एक ही डाटा जो है वो जा रहा है ठीक है, बट इट कैन बोल सभी एक टाइम पे एडिट नहीं कर सकते, कंफ्यूजन हो सकती है। सो ये जो है एक टाइम पे एक पर्सन ही एडिट करे ये जो है ये नेसेसरी होना चाहिए। सो दे माइट हैव रूल्स की वन पर्सन हैव द बुक एट वन टाइम, एक पर्सन के पास ही होनी चाहिए। तो ऐसे जो है तुम्हारे ग्लोबल रिसोर्सेस जो है वो हैंडल जो है होते हैं। क्लियर हुआ? ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चूजिंग द सॉफ्टवेयर कंट्रोल स्ट्रैटेजी। अब सॉफ्टवेयर कंट्रोल स्ट्रैटेजी क्या होती है, देखो दिस इज बेस्ट टू चूज अ सिंगल कंट्रोल स्टाइल फॉर द होल सिस्टम। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंट्रोल फ्लोस, क्या क्या होते हैं कंट्रोल फ्लोस, देखो पहले तो होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल। एक्सटर्नल कंट्रोल जो है एक्सटर्नल विजिबल इवेंट से डील करता है ठीक है। अब तीन तरह के होते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल, क्या होते हैं, प्रोसीजरल, सिक्वेंशियल एंड इवेंट ड्रिवन ठीक है। प्रोसीजरल ड्रिवन सिक्वेंशियल, देन इवेंट ड्रिवन सिक्वेंशियल एंड कॉन्करेंट ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखो, अब इसमें हमारे पास प्रोसीजरल ड्रिवन क्या होता है, स्टेप वाइज स्टेप जो चीज अक्कर होती है ठीक है। लाइक तुम्हें एक रेसिपी बनानी है तो ये क्या है स्टेप वाइज स्टेप, तो तुम क्या है कोड परफॉर्म कर रहे हो तो ये क्या है स्टेप वाइज स्टेप होगा ना ठीक है। अब प्रोसीजरल की मेन एडवांटेज क्या है, ये क्या है इजी टू परफॉर्म है ठीक है, बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स कॉन्करेंसी इनहेरेंट इन द ऑब्जेक्ट टू बी मैप्ड इनटू द सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल ठीक है। इसको क्या चाहिए होता है, कॉन्करेंसी इनहेरेंट चाहिए होता है इन ऑब्जेक्ट ठीक है, कॉन्करेंसी इनहेरेंट चाहिए होता है जो कि एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। क्लियर है? अब इवेंट ड्रिवन कंट्रोल में क्या आ जाता है, इसकी तुम्हें बस बेसिक डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है। इवेंट ड्रिवन की जो एक पर्टिकुलर इवेंट हो, लाइक तुम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो ठीक है, वो क्या है केक कट करोगे कब, उसकी क्या है टाइमिंग है ठीक है, तो वो क्या है इवेंट पे होगा, पार्टी पे होगा। क्लियर है? अब जैसे इसकी एग्जाम्पल दी हुई है,
जीयूआई ऑफ मेनी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, द यूजर इंटरैक्ट विद द जीयूआई आइदर थ्रू माउस क्लिक्स, ठीक है, थ्रू प्रेसिंग द की, ठीक है। अब जीयूआई से वो कैसे इंटरैक्ट करेगा, इंटरेक्शन है ना, इंटरेक्शन करनी होती है, एक इवेंट है, ठीक है। अब वो प्रेस करेगा कि, ठीक है, तो ये क्या है, इंटरेक्शन तब होगी। दीज यूजर इंटरेक्शन विद द जीयूआई आर कॉल्ड इवेंट्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, देन कॉन्करेंट सिस्टम कंट्रोल में क्या होता है, हियर द कंट्रोल डिसाइड कॉन्करेंटली इन सेवरल इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स, ईच अ सेपरेट टास्क। अ टास्क कैन वेट फॉर इनपुट बट अदर टास्क कैन कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ द रेस इवेंट व्हाइल अ टास्क इज बीइंग परफॉर्म, सो द इवेंट आर नॉट लॉस्ट। शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द टास्क आर रिजॉल्व बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि कई टास्क जो है इकट्ठे हो सकते हैं, कई टास्क जो है डिफरेंटली हो सकते हैं। सपोज एक ही पर्सन को, ठीक है, मतलब काफी सारे यूजर्स हैं, उसको एक ही रिसोर्स चाहिए, तो ये शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो ये कौन रिजोल्व करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इंटरनल कंट्रोल ये इंटरनल प्रोसेसेस से ही डील करता है। इसके बाद आता है हैंडलिंग द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है, एक इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन एंड फेलियर। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि तुम कैसे स्टार्ट कर रहे हो। इनिशियलाइजेशन होती है कि सपोज तुम एक टास्क स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए हर चीज क्या होनी चाहिए, प्रिपेयर होनी चाहिए। जैसे तुम खाना बना रहे हो, इंग्रेडिएंट जो है वो प्रिपेयर होने चाहिए, क्लियर हुआ, तो ये उसने इसमें ऐसे कहा हुआ है। देन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब अब तुम्हारा टास्क फिनिश हो गया है, अब तुम्हें सारी चीजें क्या है, क्लीन करनी है। क्या करना है, मस्ट रिलीज, अब इसमें क्या है, मस्ट रिलीज द रिजर्व रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज तुमने लिए थे उसको रिलीज कर दो, क्योंकि अब वो तुम्हारे यूज में नहीं है। अब फेलियर में क्या है, फेलियर में ये है कि सपोज तुम कोई चीज कर रहे थे, ठीक है, अब तुम्हारा टास्क जो है, तुम्हारा पीसी जो है वो शट डाउन हो गया, अब उसमें क्या करोगे, ठीक है। अब गुड डिजाइनर मस्ट डू अफेक्ट रिमेनिंग एनवायरमेंट, मस्ट नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग एनवायरमेंट इन केस ऑफ एनी फेलियर। सपोज अगर कोई फेलियर हो भी जाता है तो कोई बैकअप होना चाहिए। एंड मस्ट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिकॉर्डिंग डिटेल्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, एंड एरर लॉग, ठीक है, डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करें किस वजह से एरर हुआ, ये सारी चीजें, क्लियर हुआ। ओके, इसके बाद आता है सेटिंग ट्रेड ऑफ। सेटिंग ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास जो है कि तुम सेट कर रहे हो ट्रेड ऑफ, हाँ एडजस्टमेंट कर रहे हो। सपोज तुम्हें किस चीज की स्पीड ज्यादा चाहिए, ठीक है, तुम्हें मेमोरी ज्यादा लेनी पड़ेगी। अगर तुम्हें अपने टास्क की स्पीड ज्यादा चाहिए बट उसके लिए मेमोरी ज्यादा ले रहे हो, तो तुम क्या इसकी सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, ठीक है। बट अब तुम चाहते हो, नहीं मेरे को रिसोर्सेज बचाने हैं, स्पीड का कोई बात नहीं है, ठीक है, तो ये तुम पे डिपेंड करता है। इसीलिए कहा है सेटिंग ट्रेड ऑफ प्रायोरिटीज इज बेस्ट वे। ये डिपेंड करता है यूजर टू यूजर कि वो क्या चाहता है, क्लियर है। देन कॉमन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में हमारे पास देखो क्या आता है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। कॉमन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में आता है द स्ट्रक्चर इमुलेट द टॉप लेवल डिजाइन डिसीजन, इंक्लूड थिंग्स सच एज हाउ द सिस्टम इज कंपोज, कैसे सिस्टम बना है, वेयर द मेन पाथवेज ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, एंड व्हाट इज द की प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्ट, क्या क्या की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। हम सम ऑफ द स्टाइल्स जो है डिस्कस किए गए हैं, लाइक हमारे पास बैच ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बैच ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है कि तुम गैदर करके एक बना रहे हो उसको, तुम गैदर कर रहे हो सारी चीजें और इसको इकट्ठे मिक्स कर रहे हो, और एक केक बन जाता है, ठीक है, अवन में रखते देन केक बन जाता है, ठीक है, इसमें भी वही चीज करी गई है, ठीक है। बैच ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, अब मैं तुम्हें केक का एग्जाम्पल दिमाग में रखना, इसमें हमें फॉलोइंग स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं। देखो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमें क्या करनी है, ब्रेक द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन इन टू स्टेजेस, ठीक है, हमें स्टेजेस में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को ब्रेक करना है, ठीक है, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन टू स्टेजेस विद ईच स्टेज परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लाइक मैं खाना जो है चॉप कर रही हूँ, तो मैं क्या उसको ब्रेक कर रही हूँ ना, परफॉर्म द क्लास मॉडल्स, ठीक है, ऑफ फॉर द इनपुट। अब हमने क्या है, क्लास मॉडल्स जो है वो परफॉर्म करने हैं, वेट फॉर इट, ओके। अब हमने क्लास मॉडल्स जो है वो परफॉर्म करने हैं, वहां से समझने की बजाय यहाँ से समझते हैं, ब्रेक इट डाउन, कि जैसे हम रेसिपी है, यू ब्रेक इट डाउन ट्रांसफॉर्मेशन इन स्मॉलर स्टेप्स, स्मॉलर स्मॉलर स्टेप्स में तुम ब्रेक कर देते हो। देन मॉडलिंग, यू प्रिपेयर द मॉडल, ठीक है, फॉर इनपुट एंड आउटपुट एंड ईच स्टेज इन बिटवीन, ठीक है, मतलब तुम क्या है एक मॉडल प्रिपेयर करते हो कि हाँ तुम्हें क्या है उसके लिए हेल्प मिल सके, क्लियर हुआ। ओके, देन इसके बाद तुम्हारे पास क्या आता है, ईच स्टेज ओनली नोज अबाउट द मॉडल बिफोर एंड आफ्टर एक्सपैक्ट। इसके बाद आता है कि हर स्टेज को
नोज अबाउट द मॉडल बिफोर एंड आफ्टर. हर स्टेज को पता होता है कि इसके बिफोर का कौन सा मॉडल है, आफ्टर का कौन सा मॉडल है. ठीक है. एक्सपैंड एंड इम्प्लीमेंट. यू वर्क ऑन ईच स्टेज एंड एक्सपैंडिंग एंड सिंप्लीफाइंग इट टू इजी टू डू. अब उसको एक्सपैंड कर देते हो. हाँ, तब तक एक्सपैंड कर देते हो जब तक वो इजिली डन ना हो सके. देन ऑप्टिमाइज करना. ऑप्टिमाइज करना मतलब रिस्ट्रक्चर कर देना हर चीज को ताकि वो अच्छी तरह ऑप्टिमाइज हो सके. ठीक है. अब जो है इसकी एग्जाम्पल के आगे बैच ट्रांसफॉर्मेशन की कंपाइलर आ जाता है. अब कंपाइलर में देखो फेजेस होते हैं. ये फेजेस मैंने तुम्हें समझाए भी हुए हैं. ठीक है. लेक्सिकल एनालिसिस वगैरह ये सब कुछ मैंने समझाया हुआ है. कंपाइलर डिजाइनर एक प्लेलिस्ट है उसमें. ठीक है. वो तुम्हारे लैंग्वेज प्रोसेसर में भी आ सकता है. ठीक है. तुम वहां से भी देख सकते हो. ओके. मेरी कंपाइलर डिजाइन की प्लेलिस्ट देख लेना. वहां पे लेक्स टूल, ठीक है, बायसी, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने समझा हुआ है. सबसे पहले हम लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं. अब ये क्या कोड रीड करता है और उसको ब्रेक कर देता है स्मॉल पीसेस में. अब सिंटेक्स, सिंटेक्स एनालिसिस देखता है कि सिंटेक्स जो है वो ठीक है कि नहीं. एरर हैंडलिंग क्या देखता है, मिस्टेक्स देखता है. ठीक है. देन इसके बाद तुम्हारे पास आता है स्कोप एंड टाइप एनालिसिस इफ इट फिगर्स आउट द थिंग्स लाइक वेरिएबल स्कोप एंड डेटा टाइप. ठीक है. कोड जनरेशन क्या करता है, ट्रांसलेट द कोड इनटू समथिंग कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. कोड जनरेशन करता है कंप्यूटर जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए. ठीक है. ये सारे फेजेस जो है दिए हुए हैं, सिक्स फेजेस हैं. लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, रिकवरी फेज, स्कोप एनालिसिस, टाइप एंड कोड जनरेशन. अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो मैंने वहां पे दिया हुआ है. ठीक है. कंपाइलर डिजाइन की प्लेलिस्ट में. ओके. देन तुम्हारे पास आता है कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन. ये भी सेम वैसे ही है बैच ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही, बट इसमें डिफरेंस क्या है, बैच ट्रांसफॉर्मेशन में हम सारा प्रोसेस जो है वो कर लेते हैं. ठीक है. एंड लास्ट पे आके हम उसके एरर ढूंढते हैं. बट इसमें है हम फ्रीक्वेंट अपडेट्स जो है वो देते रहते हैं. एक चीज की उसका अपडेट दिया, एक चीज की उसका अपडेट दिया. आई होप इट इज क्लियर टू यू. देन लेट मी रेज दिस. ओके. देन इसके बाद आता है इंटरैक्टिव इंटरफेस. इंटरैक्टिव इंटरफेस में क्या होता है, द मेन कंसर्न ऑफ इंटरैक्टिव इंटरफेस आर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. ठीक है. कि कैसे कम्युनिकेट करना है सिस्टम के बीच में, द फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन द सिस्टम, परफॉर्मेंस एंड एरर हैंडलिंग, ये चीजें बताता है. ठीक है. क्लियर हुआ. अब इसके जो स्टेप्स हैं, इंटरैक्टिव इंटरफेस क्या, इंटरैक्शन होनी. ठीक है. ये चीज अब तुम स्टेप्स देखना चाहो तो देख सकते हो. मतलब इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता. तुम थोड़ी थोड़ी चीजें जो है हर पॉइंट की ले लो, दैट इज ओके. ठीक है. देन हम पढ़ते हैं डायनेमिक सिमुलेशन. डायनेमिक सिमुलेशन में क्या आता है, इज द यूज ऑफ कंप्यूटर की जो टाइम वेरिंग बिहेवियर से होता है. ठीक है. टू मॉडल द टाइम वेरिंग बिहेवियर, कि तुम टाइम वेरिंग बिहेवियर को मॉडल कर रहे हो. अब देखो द मॉडल्स, अब ये क्या है, ये क्या मॉडल करता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से. कंट्रोल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन टू वेज. अब दो तरह के कंट्रोल हो सकते हैं, लाइक एक्सटर्नल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल. अब स्टेप्स क्या है, देखो इसमें क्या है, आइडेंटिफाई करना होता है एक्टिव रियल वर्ल्ड, एक्टिव रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है. दैट चेंज ओवर टाइम, दे हैव एट्रीब्यूट्स टू गेट अपडेटेड पीरियोडिकली. ठीक है. जो कि पर्टिकुलर टाइम में चेंज करते रहते हैं. ठीक है. पहले तो मैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. देन डिस्क्रीट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. दीज आर स्पेसिफिक एक्शन और इंटरेक्शन दैट हैपन विद द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इन गेम. अब गेम में क्या है, तुम प्रेस कर रहे हो, ठीक है, बटन को, ठीक है, ताकि कोई इवेंट जो है कॉज हो सके. तो ये क्या डिस्क्रीट इवेंट है, तुम्हें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. एंड देन आइडेंटिफाइंग द कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंसीज, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी चीज पे डिपेंड कर रहा है. लाइक तुम्हें स्पीड इंक्रीज करनी है, वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. देन टाइम लूप, जनरली अ स्टिमुलेशन इज ड्रिवन बाय अ टाइम लूप एट फाइन टाइम. स्टिमुलेशन रन्स टू अ टाइम लूप वेयर द टाइम मूव्स फॉरवर्ड इन स्मॉल इंक्रीमेंट. ड्यूरिंग ईच लूप इवेंट्स हैपन एंड ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट बेस्ड ऑन द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है. इवेंट्स जो है वो अकर होते हैं ड्यूरिंग टाइम लूप और वो एक दूसरे इंटरैक्ट करते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता है. अब रियल टाइम सिस्टम, इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है मैंने बनाई हुई है रियल टाइम सिस्टम की. ठीक है. यू कैन गो एंड सर्च आरटीएस और आंसर्स ओनली लेक्चर्स, तुम्हें मिल जाएगा. ठीक है. अब आरटीएस होता क्या है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर काम के उसी टाइम उसका रिस्पॉन्स चाहिए. ठीक है. तो ये चीज उसने के लिए भी एक आर्किटेक्चरल स्टाइल में आता है. देन ट्रांजेक्शन मैनेजर. ट्रांजेक्शन मैनेजर क्या होता है कि तुम अगर कॉन्ग्रेंट एक्सेस चाहिए, ठीक है, अलग अलग यूजर से, अलग अलग लोकेशन से. ठीक है. अब बहुत सारे यूजर्स हैं, एक ही डाटा को एक्सेस करें, उसकी सिक्योरिटी भी तो मैनेज करनी पड़ेगी. ठीक है. तो वो क्या आते हैं, ट्रांजेक्शन मैनेजर्स में आते हैं.
अब एग्जाम्पल क्या है इनकी, इन्वेंट्री कंट्रोल, सेल्स, परचेजेस, ऑर्डर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब क्या क्या स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं डिजाइन ऑफ सच सिस्टम। पहले तो मैप द क्लास मॉडल टू द डेटाबेस। ठीक है, अब इसमें क्या है, दिस मीन्स दैट फिगरिंग आउट हाउ टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन द डेटाबेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डिटरमाइन द यूनिट ऑफ कॉन्करेंसी। डिटरमाइनिंग द यूनिट ऑफ कॉन्करेंसी में क्या है तुम्हारे पास, कि दीज आर द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी शेयर्ड अमंग द यूजर एट द सेम टाइम, कि कौन कौन सी चीजें जो है नहीं शेयर हो सकती एट द सेम टाइम। ठीक है, वो तो हमें डिटरमाइन करनी है। डिटरमाइन द यूनिट ऑफ ट्रांजेक्शन, दीज आर द सेट ऑफ रिसोर्सेज दैट नीड टू बी एक्सेस टूगेदर वेन पर्सन वॉन्ट्स टू डू समथिंग विद द डाटा। ठीक है, कि जो इकट्ठे जो है वो एक्सेस हो सकती है। ठीक है, डिजाइन द कॉन्करेंसी कंट्रोल फॉर ट्रांजेक्शन, दिस इज द फीचर दैट हेल्प्स टू मैनेज द मल्टीपल यूजर एक्सेसिंग सेम डाटा एट सेम टाइम। ये वो फीचर है जो हेल्प करता है कि हम सेम डाटा को एक्सेस कर सके सेम टाइम। ठीक है, एंड गाइस स्टे ट्यून, तुम्हारी आरटीएस की प्लेलिस्ट है वो भी आ रही है। ठीक है, एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एंड घर पे और भी फोन है तो उनसे भी सब्सक्राइब करो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक यू।